गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका चैप्टर 7 है शब्द भंडार। अब देखो, अच्छे भाषण तथा लेखन के लिए पर्याप्त शब्द भंडार की आवश्यकता होती है। अब इसमें कितने होते हैं? पहला पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम शब्द, तीसरा है अनेकार्थी शब्द, चौथा है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द और पांचवा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब ये पर्यायवाची, प्रत्येक भाषा में एक ही अर्थ के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है, पर प्रयोग के स्तर पर कुछ अंतर भी प्रतीत होता है। जैसे देखो, अंधेरा का पर्यायवाची हो जाएगा अंधकार, तिमिर, तम, अग्नि का आग, अनल, पावक, अमृत का पीयूष, सुधा, अमी, पक्षी का पंछी, खग, विहग, पुत्र का बेटा, तने, सुत, सूर्य का रवि, भास्कर, दिनकर, पवन, ये वायु का है पवन, हवा, समी, मछली का मत्स्य, मीन, सफरी, भोरा का भंवर, मधुक, अली, पृथ्वी का धरा, भूमि, अचला, फूल का कुसुम, सुमन, प्रसून, घमंड का गर्व, अभिमान, अहंकार, घर का ग्रह, निकेतन, सदन, घोड़ा का अश्व, तुरंग, हाय। ये क्या है? पर्यायवाची हो गए। अब है विलोम शब्द। किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे ज्ञान का अज्ञान मतलब उल्टा शब्द, ठीक है, अन्याय का न्याय का अन्याय, शुभ का शुभ, पूर्ण का पूर्ण, सत्य का सत्य, शांत का शांत, जान का अनजान, पढ़ का अनपढ़, उचित का अनुचित, पसंद का नापसंद, लायक का नालायक, समझ का नासमझ, पक्ष का विपक्ष, देश का विदेश। अब ये स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त करने वाले विलोम शब्द, ठीक है, जैसे अमृत का विष, अंधेरा का उजाला, आय का व्यय, जन्म का मृत्यु, लाभ का हानि, उत्थाय का पतन, स्वर्ग का नरक, जीवन का मरण, अमीर का गरीब, ठीक है, ऐसे आदि। नेक्स्ट है आपका अनेकार्थी शब्द। हिंदी में ऐसे शब्द बहुत से शब्द हैं जो एक से अधिक अर्थ देते हैं। जैसे अंक का है गोद भी बोलते हैं और संख्या भी, अधर का है होट, निरादा, पाए का है जल भी और दूध भी है, भाग का है हिस्सा और भाग्य दोनों है, मित्र का होता है दोस्त भी होता है, सूर्य भी होता है, हार का आभूषण भी होता है, पराजय भी होता है, अक्षर का होता है वर्ण भी होता है, ईश्वर भी होता है, कक्षा का होता है समूह और परिधि, काम का होता है कार्य और इच्छा, पत्र का होता है चिट्ठी और पत्ता, नाग का होता है हाथी और सर्प, तीर का होता है किनारा, बाण, घन का होता है बादल, हथौड़ा, पक्ष का पंख, तरफ, निशान का चिन्ह या ध्वजा, विधि का रीति, ब्रह्मा, मुद्रा का सिक्का या भाव, मधु का शहद या वसंत आदि। नेक्स्ट है समश्रुत या भिन्नार्थक शब्द। जिन शब्दों का उच्चारण समान लगे और उनके अर्थ अलग अलग हो, उसे समश्रुत या भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे अंक का गोद, अंग का हिस्सा, अली का भंवरा और अली का सखी, कुल का वंश, कुल का किनारा, कोष का शब्द ग्रह, कोष का खजाना, कृपण का कंजूस, कृपाण का तलवार, ठीक है, तुरंग का घोड़ा, तरंग का लहर, दिशा का तरफ, दशा का हालत, निधन का मृत्यु, निर्धन का गरीब, कपट का धोखा, कपाट का किवाड़, इतर का दूसरा, इत्र का सुगंधित पदार्थ, ऐसे आदि अनेक प्रकार के होते हैं। अब है नेक्स्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा की कुशलता मानी जाती है, इससे भाषा अधिक प्रभावशाली हो जाती है। जैसे ईश्वर में विश्वास करने वाला आस्तिक, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसका मूल्य कबूल अधिक न हो मूल्यवान, सप्ताह में एक बार होने वाला कृतज्ञ, जो ऊपर कहा गया हो अतिथि, जिसमें संदेह ना हो निसंदेह, सबको एक समान देखने वाला समदर्शी, जो पहले हो चुका हो भूतपूर्व, जो ईश्वर को ना मानता हो नास्तिक, जिसका आचरण अच्छा हो सदाचारी, जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय, जो इस लोक में ना हो अलौकिक, जो मांस खाता हो मांसाहारी, साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी, जिसके समान दूसरा ना हो अद्वितीय, जो कम जानता हो अल्पज्ञ, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो दया का पात्र हो दयनीय, जो लोगों में प्रिय हो लोकप्रिय, जो गणित का ज्ञाता हो गणितज्ञ, जो विज्ञान का ज्ञाता हो वैज्ञानिक, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, कर्म कम खर्च करने वाला मितवई, ठीक है, ऐसे कई प्रकार के ऐसे होते हैं, ठीक है, जो
जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा की कुशलता के लिए मानी जाती है। थैंक यू।